नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं और देखते हैं कि दैनिक रोजगार समाचार के भाग दो के इस वीडियो में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचना है। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब ना किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को भी इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले मिलती रहे। बात करते हैं सबसे पहले उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की। दैनिक भास्कर समाचार पत्र ने जूनियर असिस्टेंट 2016 के विद्यार्थियों की पीड़ा को प्रमुखता से उठाया, इस मुद्दे को लिखा है। 2016 में उस वक्त अखिलेश सरकार ने जूनियर असिस्टेंट के पोस्ट पर भर्ती निकाली थी। इसे एक साल के अंदर पूरा होना था पर पूरी नहीं हुई। 5 साल और बीत गए, परीक्षा भी हो गई, टाइप टेस्ट भी हो गया, 7 महीने पहले इंटरव्यू भी हो गया लेकिन रिजल्ट क्लियर नहीं हुआ। इंटरव्यू में बैठने वाले 2000 कैंडिडेट परेशान है क्योंकि इसमें बड़ी संख्या में अभ्यर्थी ओवर एज हो चुकी है। जूनियर असिस्टेंट भर्ती को लेकर आमरण अनशन पर बैठे अभ्यर्थियों ने अनशन खत्म कर दिया। 9 जून से पहले अधिकारियों ने परीक्षा परिणाम घोषित करने का आश्वासन दिया है लेकिन जब बात को लिखित में देने को कहा गया तो अधिकारी आनाकानी करने लगे और वेबसाइट पर अपलोड करने की बात कही लेकिन अभी तक कोई सूचना अपलोड नहीं की गई है। आक्रोशित अभ्यर्थियों का कहना है कि फिर से जो शासन की तरफ से और आयोग की तरफ से अब ये कहा जा रहा है कि इन विद्यार्थियों का जो परिणाम है वो जल्द जारी किया जाएगा। सूचना मिल रही है कि अगले सप्ताह परिणाम जारी हो जाएगा। देखते हैं परिणाम जारी हो पाता है या नहीं हो पाता है। अगली सूचना है आर्मी भर्ती को लेकर के। आर्मी भर्ती के बारे में लगातार चर्चाएं तेजी से चल रही हैं कि इस बार आर्मी भर्ती में बदलाव होगा, 4 वर्ष की संविदा प्रणाली लागू हो जाएगी। इसको लेकर के छात्र चिंतित हैं। इसके बारे में स्पष्टीकरण दिया गया सरकार के द्वारा। लिखा हुआ TOT सेना की मौजूदा भर्ती प्रक्रिया की जगह नहीं लेगी, यानी कि जो 4 साल की संविदा प्रणाली है तो 4 साल के लिए सैनिक तैयार किए जाएंगे, 4 साल के जो भर्ती की जाएगी वो भर्ती भी चलती रहेगी और साथ में समान भर्तियां जो होती हैं, नियमित भर्तियां जो होती हैं पूरे समय के लिए वो भर्तियां भी चलती रहेंगी। तो ये दोनों भर्तियां चलेंगे, ऐसा नहीं है कि केवल 4 साल के लिए संविदा पर ही नियुक्त किया जाएगा। लिखा सेना में पिछले साल 2.5 साल से सैनिकों की भर्ती बंद है लेकिन इस बीच टूर ऑफ द ड्यूटी TOD के जरिए नौजवानों को 4 साल की संविदा पर सेना में भर्ती के लिए प्रस्ताव पर चर्चाएं तेजी से हुई है लेकिन सेना से जुड़े सूत्रों का कहना है कि TOD सेना में होने वाली मौजूदा भर्ती का विकल्प नहीं होगा बल्कि यह प्रक्रिया सामान्य भर्ती प्रक्रिया के समानांतर चलती रहेगी जिसके जरिए योग्य नौजवानों को 4 साल के लिए सेना में कार्य करने का मौका दिया जाएगा। तो ये भी चलता रहेगा और साथ में जो नियमित भर्ती होती है वो भर्तियां भी चलती रहेंगी। अगली सूचना है KGMU में 234 डॉक्टर नर्स भर्ती होंगे। सुबह की वीडियो में ये सूचना छूट गई थी। लिखा KGMU में नौकरी की आस में बैठे डॉक्टर और प्रशिक्षित नर्सों के लिए खुशखबरी है। जल्द ही KGMU में 234 डॉक्टर नर्सिंग स्टाफ की भर्ती होगी, इसका विज्ञापन जल्द निकाला जाएगा। नीचे यहाँ पर लिखा हुआ है कि कार्य परिषद ने शुक्रवार को भर्ती की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। वहीं पर MNNIT से लगातार भर्तियां हो रही, उसके बारे में भी लिखा हुआ है कि भर्ती के विज्ञापन की लगी है हैट्रिक। और यहां पर लिखा कि 30 जून तक असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए होंगे आवेदन, 113 पदों पर भर्ती को तीसरी बार मांगे गए आवेदन। देश की प्रतिष्ठित तकनीकी संस्थान में शुमार मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान में शिक्षकों की कमी है। शिक्षकों के रिक्त पदों को भरने की कवायद 2019 से शुरू हो चुकी है और अब तक शिक्षक भर्ती के लिए 3 बार लगातार विज्ञापन जारी हो चुका और इस बार असिस्टेंट प्रोफेसर के 113 पदों के लिए आवेदन मांगे गए हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 30 जून तक तय की गई है और इससे पहले सितंबर 2019 में असिस्टेंट प्रोफेसर के 108 पदों की नियुक्ति के लिए आवेदन मांगे गए थे। सुबह की वीडियो में एक और सूचना छूट गई थी। उत्तर प्रदेश राजेश टंडन ओपन यूनिवर्सिटी की। लिखा 25 जून के बाद में शुरू हो जाएंगे मुक्त विश्वविद्यालय में प्रवेश प्रक्रिया। अगर विद्यार्थी को किसी भी कोर्स में एडमिशन लेना है ओपन यूनिवर्सिटी में तो विद्यार्थी 25 जून के बाद एडमिशन ले सकता है। लिखा उत्तर प्रदेश राजेश टंडन मुक्त विश्वविद्यालय में 2022-23 की प्रवेश प्रक्रिया को लेकर के कवायद शुरू कर दिया। विश्वविद्यालय कार्य परिषद की बैठक में 2 वर्ष पुराना शुल्क लागू करने के फैसले के बाद प्रवेश का खाका खींचा जा रहा है। इसके लिए विवरण क्या तैयार की जा रही है, पाठ्यक्रम व नए शुल्क को शामिल करते हुए 25 जून के बाद में प्रवेश प्रक्रिया की घोषणा की जा सकती है। तो घर बैठे अगर आपको कोई कोर्स करना है BA MA इत्यादि तो आप लोग यहां से कर सकते हैं। ये हो गया आज का वीडियो। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।